दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी F62 लेकर आ गया है, जिसमें उन्होंने चिपसेट जो यूज किया है वो उनका पहले का फ्लैगशिप चिपसेट था 9825 वाला। रियलमी भी X3 के साथ कर ही चुका है, 855 प्लस आपको 125,000 मिल ही रहा है। तो अब Xiaomi बोल रहे हैं कि हम क्यों पीछे रहे भाई, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई अब पोको X3 प्रो आ रहा है, जो कि आपको फ्लैगशिप चिपसेट 20,000 की प्राइस के आसपास दे सकता है। क्या सारी चीजें हैं, इसका लॉन्च डेट भी लीक हो गया है, सब कुछ बताऊंगा, सारी चीजें, वीडियो पूरा देखना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। चलते हैं वीडियो की तरफ। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोको X3 प्रो लोग इसलिए वेट कर नहीं कर रहे हैं कि उनको लेना है, बहुत सारे लोग इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि कहा गया कि इसके बाद पोको F2 आएगा। एक्चुअल रीजन यही है मोस्ट ऑफ द लोगों में कि पोको F2 उसके बाद आएगा, इसीलिए लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन पोको X3 प्रो भी एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि BIS पे लिस्ट हुआ था करीब करीब 10-15 दिन पहले एंड कहा जा रहा था कि एक महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इसका लॉन्च डेट जो लीक हुआ है, पहले एक किसी टिप्सटर ने लीक दिया था कि ये मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में लॉन्च होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक में। उसके बाद अभिषेक यादव करके एक टिप्सटर है, उन्होंने कहा कि इसका लॉन्च डेट जो है मोस्ट प्रोबेबली 10th of March को होने वाला है, यानी काफी तगड़ा टाइम जाने वाला है। आप देख लो, मिड मार्च में आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 सीरीज मिल जाएगी, A52, A72, उसके पहले ये आ जाएगा 10 तारीख के आसपास तक, उसके पहले रेडमी नोट 10 सीरीज आ जाएगी, उसके पहले रियलमी का नार्जो 30 सीरीज जो है वो भी आने वाला है। चलिए देखेंगे, जैसे आएगा वैसे भाई बता दूंगा। लेकिन कहा गया है कि 10th of March के आसपास, यानी कहा जा रहा है कि 10th of March को ही ये लॉन्च हो जाएगा। अब लेट्स सी, वो तो देखने वाली बात होगी आता है कि नहीं। जैसे नार्जो का पहले मैंने कहा था, उसके बाद नार्जो ने कंफर्म कर दिया कि 24th को लॉन्च होने वाला है, वैसे हो सकता है अगले 3-4 दिन में आपको इसकी भी न्यूज मिल जाए। स्मार्टफोन आने वाला है ये मिड रेंज का, अपर मिड रेंज कह सकते हो, यानी 20,000 के आसपास का स्मार्टफोन होने वाला है। स्पेसिफिकेशन में पहले भी वीडियो बना चुका हूं इसका, अगर फिर से जानना है तो फिर से बता देता हूं। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है 6.7 इंच की पंच होल के साथ, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, एंड IPS का पैनल होगा, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे होने वाला है, और क्वाड रियर कैमरास होने वाले हैं। पीछे पोको की ब्रांडिंग रहेगी, देखने में स्मार्टफोन अच्छा लगेगा। बात करते हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी, चिपसेट की। इसमें स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ज्यादा चांसेस 855 प्लस हो, वो देखने वाली बात होगी क्या आता है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 7nm पे बेस्ड है, अच्छा चिपसेट है, परफॉर्मेंस धमाकेदार दे देगा, 5 लाख के आसपास इसका अंतुतु का स्कोर आता है। गेमिंग ग्राफिक्स भी आप अच्छी खासी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इश्यूज नहीं आएंगे। चलिए देन इसके बाद एंड्रॉइड 11 के ऊपर आने वाला है, जो कि पोको लॉन्चर के साथ आएगा, लेकिन MIUI 12.5 के ऊपर आएगा, अच्छी चीज है। देन इसके बाद बाकी परफॉर्मेंस में तगड़ा रहेगा, गेमिंग वेमिंग सब कर पाओगे, एंड जिस बजट में आएगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ये होने वाला है उस प्राइस के हिसाब से। कैमरा की बात करते हैं, क्वाड कैमरा जैसे मैंने कहा रियर साइड पे होगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा होने वाला है, जिसका अपर्चर F1.8 के आसपास होगा। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाएगा। बोके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, अच्छी चीज है। रियर साइड पे फ्लैश होगा, फ्रंट में अगर जाओगे तो वहां पे आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर F2.0 के आसपास होगा। देन वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बड़ी बैटरी नहीं होगी, 5000 एमएच की बैटरी होगी, यानी 6 या 7000 एमएच की एक्सपेक्ट मत करना, 5000 एमएच की बैटरी होने वाली है। इसके साथ आपको 30 या 33 वाट का चार्जर आएगा, टाइप सी का पोर्ट होगा, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा इसमें, तो वहां पे भी कोई इशू नहीं आने वाला है। सेंसर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, वो सारे मिल जाएंगे। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट होगा, कैमरा 2 APA का भी सपोर्ट मिल जाएगा, एंड उसके साथ 3.5mm जैक रहने के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पे, तो पॉसिबली शायद मिल जाए, अब देखने वाली बात होगी देते कि नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि पोको दे दे, मिड रेंज में दे ही देता है। चलिए अच्छी चीज है। देन इसके साथ वेरिएंट की बात करोगे तो मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट 6GB 128GB का होगा, पहली बार 6GB 64GB डिच कर सकता है पोको, क्योंकि फ्लैगशिप चिपसेट है तो पॉसिबली शायद इसमें आपको स्टोरेज वेरिएंट ज्यादा मिल जाए, एंड दूसरा 8GB 128GB उसके बाद तो देखेंगे जो आएगा। स्लॉट इसमें आपको हाइब्रिड मिल सकता है, यानी न तो डेडिकेट 2 SIM कार्ड लगाओ या फिर 2 SIM, 1 SIM कार्ड, 1 SD कार्ड, तीनों एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, देखते हैं। चलो एक्सपांडेबल एटलीस्ट दिया है कि एक्सपांड कर सकते हैं। देन प्राइसिंग की बात करें तो कहा जा रहा है इसका जो बेस वेरिएंट होगा 20,000 के आसपास आ सकता है, 18 से 20,000 के बीच में होगा, देखते हैं कितने तक आएगा, वो तो आपको मार्च में ऐसे ही पता चल जाएगा।
पोको जो करता है प्राइसिंग बाकी सबसे अच्छी रहता है, बशर्ते ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रखें, क्योंकि पोको का ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल के टाइम पे, वही सबसे बड़ी बात है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है, जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा, अभी इतना ही पता चला है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो आपको वैसे ही बता दूंगा। 10th of March कहा गया है, लेट्स सी अगले 5-6 दिन में आपको शायद ऑफिशियल भी हो जाए, देखने के लिए। आज एक टीजर डाला है पोको ने पोको के यूट्यूब चैनल पे, अब उसके बारे में कुछ खास तो नहीं बताया लेकिन है, एक छोटा सा डाल दिया है, पता नहीं क्या चीज है। चलिए जैसे आएगा बाकी सारी चीजें वैसे भी आपको बता दूंगा दोस्तों। तो वेट कर रहे हो कि नहीं पोको X3 Pro का, ये मिड रेंज फ्लैगशिप 20,000 के आसपास अगर आता तो मैं कहूंगा बहुत धमाकेदार स्मार्टफोन हो जाएगा। आप वेट कर रहे हो कि नहीं जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है। साइड में देखो वेक्टर पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों